नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन हैं तो ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। और इससे पहले कि अगर आपने टेस्ट कवर नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। रीजन दिया हुआ है यहाँ पर, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये जो कथन है उसका रीजन कारण भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एडम ब्रिज पूछा गया है, यानी आदम का पुल जो है वो ये किन दो देशों के बीच है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है 2.02 नोटिकल मील, 200 नोटिकल मील, 20 नोटिकल मील या 0.20 नोटिकल मील। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये दरअसल जो है वो 200 नॉटिकल मील विस्तारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है, एलिफेंटा, न्यूमरो, रामेश्वर या लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें तीन दिए हुए थे, देखिए दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार, तो सब में वही दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बाद पड़ता है दिल्ली, उसके बाद पड़ता है पौंडीचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मरकत द्वीप यानी एमरोंड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एन द्वीप या न्यू मोर द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार दी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है, 0.1.5%, 2.40%, 3.50% या 60%। तो आपको बताओ 2.38% के करीबन है, तो 2.40% याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर नॉर्थ डिग्री चैनल किन्हीं अलग करता है, ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनी काय को, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनी काय को जो है वो 9 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, 10 डिग्री किसको करता है, अंडमान और निकोबार को। तो दोनों ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर सक्कम कन राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करते हैं, 2 देश, 3 देश, 4 देश या 5 देश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 3 देश। नेक्स्ट है, यहाँ पर खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्रम है, विंध्याचल, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ ट्रैप या बुंदेलखंड नय। तो इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपियों की सर्वोत्तम व्याख्या दी जाती है, ऑप्शन ए है प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में, ऑप्शन बी है हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, ऑप्शन सी है कमजोर चट्टानों के संबंध में, ऑप्शन डी है प्लेटों के अवसरण के संबंध में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लेटों के अवसरण के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, बिल्कुल सही है, कोडाईकुलम पहाड़ी, ये पालनी पहाड़ी, बिल्कुल सही है, अटकमंड नीलगिरी पहाड़ी, और डी ऑप्शन है शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी सही दिए हुए हैं सब। तो शिमला आपको पता हो ये कहाँ पर है, बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो पीर पंजाल जो है वो जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न दर्रे हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें लगाना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जुबेला, भूमिडा, लुपीलेखा और बनियाल। बनियाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आएगा लीपुले का दर्रा, ठीक है, उसके बाद जोपिले का दर्रा और बोमिनी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
तो अगर आपको एक भी दर्रा इसमें से सही से पता होता, जैसे कि भूमिना दर्रा आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नाम पड़ती हैं, हिमालय, दक्कन पठार, शिवालिक या उत्तरी मैदान। तो गारो खासी जयंतियाँ ये सभी जो है वो पहाड़ियाँ दक्कन पठार में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है धालघाट, पालघाट, बोरघाट या गोरम घाट। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच जो है बात की जाए तो पालघाट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है कि सही उत्तर हमें सूच करना है इनमें से, ठीक है। तो देखिए, बलित पर्वत में कौन आता है सबसे पहले, हिमालय आता है, ठीक है। बलित पर्वत की बात की जाए तो हिमालय आता है। इसमें देखते हैं हम पहले ऑप्शन बी का जो है वो फर्स्ट है, तो देख लेते हैं हम पहले किस में है बी का फर्स्ट। देखिए ए वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, वहीं हम बात करें ये तीन है ये भी नहीं, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें पहले बात की जाए बलित पर्वत जो है वो हिमालय है, ठीक है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी भरतोष सह्याद्री, ठीक है। और बात की जाए ज्वालामुखी जो है ये राजमहल पहाड़ी पर, अपशिष्ट बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, कारण है पश्चिमी घाट वर्तमान रूप से उत्प्रेक्षित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है वो वास्तविक पर्वत नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वो वर्तमान रूप से उत्प्रेक्षित पठार का खड़ा हुआ हिस्सा है, पठार का खड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो ये पर्वत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ ये कहाँ पर हैं, हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या बाह हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय में। अगला है, हिमालय में मुख्य सीमांतर भ्रंश पृथक करता है बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से, तिब्बत को बृहद हिमालय से, मध्य हिमालय को शिवालिक से या शिवालय को भावर से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय को शिवालिक से जो है बोला करता है मुख्य सीमांतर भ्रंश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ मिलाना है यहाँ पर जोड़ियाँ, तो देखिए आपको इसमें से सबसे पहले जिसको पता हो उसको मिला लिया करें। देखिए युथांग, युथांग की अगर हम बात करें तो युथांग जो है ये कहाँ पर है, ये पड़ती है अपने सिक्किम में, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे का तो पहला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, ये वाला बचा और ये वाला बचा। अब बाकी हम बात करें सांगला घाटी, सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और बात की जाए मरखा घाटी, मरखा घाटी जो है ये पड़ती है नागालैंड में, और बात की जाए जूको घाटी जो है बचा है जम्मू कश्मीर। तो बचा देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पहले का हो जाएगा हमारा मरखा घाटी, ये हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में, और जूको घाटी जो है ये बढ़ जाएगी नागालैंड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। मरखा घाटी दरअसल जो है वो ये जम्मू कश्मीर में है, जूको घाटी जो है ये नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और उथांग घाटी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग दरअसल जो है वो किन दो नदियों के बीच का संगम स्थल है, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भीलांगना या भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, केन, चंबल, बेतवा या रामगंगा। रामगंगा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है, लोनार, अरब सागर, डल झील या रुडोल्फ झील। तो लोनार जो कि महाराष्ट्र में है ये है क्रेटर निर्मित झील। नेक्स्ट है, यहाँ पर चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील आपको पता हो तो उड़ीसा में है, और कर्नाटक, कोंकण और मालवा। कोंकण जो है तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, कर्नाटक वाला, मालवा भी उसी तरफ होता है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। और तो उत्तरी सरकार तट जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। एक बार मैं सारे सारे जितने भी तट हैं आपको बता दूं, जैसे कि ये बात की जाए हमारे भारत है, ठीक है, इधर पड़ता है जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसे काठिया वाला तट है, ठीक है। कोंकण तट इधर आता है अपना जो
महाराष्ट्र और ये गोवा से लेके नहीं, केनरा तट जो है ये कर्नाटक, मालवा तट जो है ये इधर पड़ता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, इधर वाला जो है वो मालवा तट है। कोरोमंडल तट जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, और बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ, ये आंध्र प्रदेश वाला जो है वो डेल्टा क्षेत्र आता है। उत्तरी सरकार भी जो है यही बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी सरकार, पूर्वी तटीय मैदान भी बोलते हैं इसको, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये वाला बोलते हैं। तो उत्तरी सरकार ये हो जाएगा अपना पूर्वी तटीय मैदान, और ये हो जाएगा अपना बाकी जो पश्चिमी तटीय मैदान। तो तट भी याद रखना है, और बाकी जो अंदर वाले क्षेत्र हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि इन्हें बोलते हैं पूर्वी घाट हो गया या पश्चिमी घाट हो गया, सह्याद्री जो है यहीं पर है, महेंद्रगिरी जो है इधर पड़ता है, ठीक है, महेंद्रगिरी यहाँ पर पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर पड़ती हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैगून नहीं है, इनमें से कौन सी झील जो है वो लैगून नहीं है? अष्टामुड़ी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलकित झील? तो लैगून की बात की जाए तो इसमें जो है वो बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पेरियार झील। पेरियार झील जो है ये लैगून झील नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि ये पेरियार झील जो है वो किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? पर्ची पानी झरना, जोग झरना, मीन मटी झरना और कुचिकल झरना? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कुचिकल झरना। ओके, याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कई लोग कंफ्यूज होता है कि जोग झरना हो गया और कुचिकल झरना हो गया, तो इन दोनों में ज़्यादातर कंफ्यूज होता है। ज़्यादातर लोगों को जो है वो जोग फॉल पता रहता है कि सबसे ऊंचा जो है वो जोग फॉल है, पर जो कुचिकल फॉल है वो सबसे ऊंचा है, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में, याद रखना है आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न नदियों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ दी हुई हैं? बराक दी हुई है, लोहित दी हुई है, शुभ नसीर दी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो आपको पता हो तो लोहित जो है आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा कुछ टाइम पहले ही, ठीक है, एक साल पहले की बात है। तो लोहित का आपको आपको जो है वो न्यूज़ में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो इसमें से हमें अरुणाचल प्रदेश में निकालनी है, तो एक तो होगी हमारी लोहित, ठीक है, और दूसरी बात की जाए तो सुमसिर, सुवन सिरी, तो ये भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नेपाल, दामोदर नदी, भिवानी और बात की जाए भदार। तो जैविक मरुस्थल जो है वो ये किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं दामोदर नदी को। अगला है, यहाँ पर यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भीतरकनिका मैग्रोन, चंबल नदी, पुलकित झील या दीपार झील? तो घड़ियाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है वो चंबल नदी में आपको देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो भारत में घड़ियाल जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगला है, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों को निरंतरता? तो इसमें हमें पूछिए विशेषता नहीं है, इनमें से जो विशेषता नहीं है वो बात की जाए तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और बात की जाए तो उड़ीसा। तो शरदकालीन वर्षा यानी शरद यानी जो सर्दियों में जो है वो वर्षा होने लगती है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो लौटते मानसून आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की सर्वाधिक मात्रा घटती है क्योंकि? ऑप्शन ए है उच्चावच, उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है। बी ऑप्शन है वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। सी ऑप्शन है तापमान बढ़ता जाता है। डी ऑप्शन है पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो संबंधित है। ये तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला होगा, जो एमपीपीएससी है उसमें
प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। तो पश्चिमी अपवाद है, पूर्वी अपवाद है, भारतीय मानसून है, या मौसम की भविष्यवाणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भारतीय मानसून। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है कृषि कार्यों के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए, या बर्तन निर्माण के लिए? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है इसका मुख्यतः भवन निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है भारत में काली कपासी मृदा के निम्नलिखित में से सहायक निर्माण में सहायक होती है, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, चूने का पत्थर, या बलुआ पत्थर? तो काली कपासी मृदा जो है वो, इससे बात की जाए तो बेसाल्ट जो है वो निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैक्रोन वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग में से सही है, सही नहीं है, ओके, सही नहीं है, मानसूनी, सागौन, मैक्रोन, सुंदरबनी, सदाबहारी, रोजवुड, या सवाना पीपल? तो इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाना जो है वो, ये गलत है, पीपल नहीं होते। सवाना दरअसल जो है वो अफ्रीका में पाए जाती हैं, ये वन याद रखना है आपको, ठीक है। सॉरी, सवाना जो है वो वन नहीं, दरअसल सवाना जो है वो अफ्रीका में घास के मैदान है, ठीक है। तो बाकी जो है वो मानसूनी, ये सागौन से संबंधित होती हैं, वृक्ष होते हैं, मैग्रोन सुंदरीबनी जैसे डेल्टा होते हैं, और सदाबहारी जो है वो रोजवुड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह जो है ये बनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में? तो ये सभी जो नुकीले कांटे हो गए, लंबी जड़ें हो गई, ये दरअसल जो है वो बात की जाए तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंध के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, या बात की जाए पेरियर टाइगर रिजर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांदी टाइगर रिजर्व, ओके। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है, टाइगर के लिए है। और बात की जाए रणथंबोर ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हो गया। पेरियर जो है ये केरल में है। तो इन सबको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है बांकड़ा बांध से, हरिकेड़ बांध से, कोम बांध से, या उकाई बांध से? तो इंदिरा गांधी नहर जो है दरअसल ये निकलती है हरिके बांध से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, याद रखना है, इंदिरा हरिके बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। अगला है टेहरी बांध, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है टेहरी बांध? गंगा, यमुना और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और भील गंगा, गना अलकनंदा और मंदाकिनी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भागीरथी और अलकनंदा पर जो है वो टेहरी बांध है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर बरकिंगम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई, जल निकास, सिंचाई और नौकागमन, या नौकागमन? तो बरकिंगम नहर जो है ये दरअसल बात की जाए तो नौकागमन के लिए है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और इसमें हमें सम्मिलित नहीं है बताना है, राणा प्रताप चंबल पर है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर तीन रावी देखते हैं, पौंग रियास पर है, और सलाल सतलज पर है। तो इसमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है? सलाल सतलज पर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये गलत दिया हुआ है। पौंग जो है ये ब्यास पर है, तीन रावी पर है, बिल्कुल सही है, और राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न किन नदियों पर किया गया था? गोदावरी, कावेरी, दामोदर, या कोयला? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दामोदर नदी पर, याद रखना है, प्रथम बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। तिलवल परियोजना किस नदी पर? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चिनाब, रावी, ब्यास, या बात की जाए तो झेलम? तो तिलवल परियोजना दरअसल जो है ये है झेलम पर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी ने कोई डंडा दिया तो वो झेल नहीं पाया और तिलमिला के नहीं एकदम भाग गया, तो डंडा वो आपकी पुलिस में जैसे कि बात की जाए डंडा पीठ पर पड़ता है तो क्या होता है, एक तिलमिला जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, झेलना मुश्किल होता है। तो कैसे भी आपको याद रखना है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो जैसे आप याद रखो, ओके। तो तिलवल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है।
अगला क्वेश्चन है, बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो बक्सा बांध परियोजना दरअसल जो है ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कालपोम जल विद्युत परियोजना अव्यवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप में कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। इसमें से हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है सही से नदी घाटी परियोजना दी हुई है और नदी दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सी मिलाएंगे, देखिए राणा प्रताप बिल्कुल, तो हम तीसरे का दूसरा मिलाएंगे। तो देखिए तीसरे का दूसरा यहाँ पर ये वाला है और ये वाला है, तो दो ऑप्शन तो पहले ही गए। अब बात की जाए माता टीला बांध बात की जाए तो ये बेतवा नदी पर है, बिल्कुल है यहाँ पर। तो देखिए अब ये बस ये गया ऑप्शन, बचा कौन सा, पहला ऑप्शन। तो पहले का तीसरा है यानी तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है, पंचहिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर हो जाएगा, और तो बाकी जो है वो राणा प्रताप चंबल पर है और माता टीला बांध बेतवा पर है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नागार्जुन बहुसागर परियोजना ये कौन सी नदी पर है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा? तो आसान सा है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णा देवी पर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? आसाम, पश्चिम बंगाल, गोदावरी या तमिलनाडु? तो बाढ़ जो है वो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, इस क्वेश्चन पूछा गया कि सर्दियों में वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर हमें ये हुए हैं प्राकृतिक आपदा आपदा क्षेत्र दिए हुए हैं और हमें प्रदेश बताना है इसमें से। देखिए बाढ़ क्षेत्र हैं, भूकंप क्षेत्र हैं और सूखा और चक्रवात, ठीक है। तो देखिए बाढ़ की बात की जाए तो बाढ़ जो है वो दरअसल आपको कहाँ देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। सौरव बिहार किसे बोलते हैं आपको पता हो तो, सौरव बिहार कोसी नदी को बोलते हैं, ओके। तो बाढ़ से क्षेत्र कहाँ हो जाएगा हमारा, पहले का तो तीसरा हो गया। देखिए हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। तो दूसरे का बी ऑप्शन यानी भूकंप वाला जो क्षेत्र है वो बात की जाए तो हिमालय का गिरिबात क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा की ओके। तो ये यहाँ पर जो ये वाला जो है दरअसल ये यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। सूखा दरअसल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य पूर्वी भारत है वहाँ पर देखने को मिलता है, तो तीसरे का चौथा हो जाएगा। चक्रवात की बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा में आपको देखने को मिलते हैं चक्रवात, ओके। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और रीजन दिए हुए हैं, देखते हैं। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। रीजन है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अव्यवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, दरअसल जो है वो प्रभावित हो सकता है भूकंप से और कारण भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन परिषद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर या चेन्नई? तो ये की गई थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लातूर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में भूकंपीय द्वीप है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो ज्वालामुखी द्वीप जो है कहाँ पर है, ये बैरन द्वीप पर है, इसका आंसर हो जाएगा। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अपने भारत का जो है वो बैरन द्वीप पर है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है? तो उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति देखते हैं कहाँ होती है, जादूगोड़ा, बेलाडीला, लोहार दग्गा या अब्रिक पहाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो बेलाडीला से, ओके। जालूगोड़ा जो कि झारखंड में, यहाँ पर यूरेनियम पाई जाती है तो इसे भी आपको याद रखना है, और बाकी उच्चतम जो अब्रक है, जो लोहा है, वो बेलाडीला में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, टिन, जावर राजस्थान में, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़ और झेलम सलेम तमिलनाडु? तो टिन जो है वो बात की जाए तो भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाई जाती है एकमात्र। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमें मिलाना है, सम्मिलित करना है तांबा, लोहा, जस्ता, मैंगनीज। तो तांबा जो है वो देखिए, तांबा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खेतड़ी और मान भंडार, तांबा में यानी पहले तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और लोहा अयस्क, लोहा अयस्क की बात की जाए तो बादाम पहाड़ या कुंद्रमुख,
और जस्ता जो है वो मैंगनीज की हम बात करें तो बालाघाट में पाया जाता है, जस्ता बचा जावर में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत बहुतायत में पाया जाता है, केरल में क्या पाया जाता है, यूरेनियम, थोरियम, अब्रक या मोनाजाइट। तो केरल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मोनाजाइट पाया जाता है, तो याद रखना है। यूरेनियम मात्र एक पाया जाता है, जालुगुड़ा झारखंड में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, डिगवोई, माकुम, नटकटिया या लकवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो माकुम में, ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई, तो ये कौन से किसके द्वारा जो है वो निर्मित की गई, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, गैस अथॉराइट ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर काकरपुर परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ पर है, आसान सा, जितने भी परमाणु शक्ति केंद्र हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दरअसल गुजरात में है ये काकरापार परमाणु गुजरात में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकटक शक्ति परियोजना, लोकटक आपको पता हो, लोकटक झील के बारे में, तो आप आसानी से इसका आंसर सकते हैं, लोकटक झील जो है वो कहाँ पर, मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है ताप विद्युत क्रय दिए हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सिंगरौली की बात की जाए, सिंगरौली, राम मुंड, तलचर और पतरात। ठीक है, सिंगरौली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मध्य प्रदेश दिया नहीं है, सिंगरौली यहाँ पर अलग ही चीज़ है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है वो सिंगरौली है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उधर जो है वो आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश लगता है, तो आपको स्टेट वाइज भी देखना पड़ेगा, तो सिंगरौली आप उत्तर प्रदेश लगाइए। और बात की जाए तो पतरातू जो है ये झारखंड में है, तलचर जो है ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, और रामगुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4321, ओके, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना स्थल की भार क्षमता सर्वाधिक है, दक्षिण अमरसर, देवगढ़, जालिया, बरसिंघम, रावतबाट, सूरतगढ़। तो पवन ऊर्जा परियोजना स्थल की भार क्षमता सर्वाधिक जो है वो राजस्थान में पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अमरसर देवगढ़ में है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें परमाणु संयंत्र दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तारापुर, रावतबाट, काकरापार, केगा। ठीक है, केगा तो जो है वो कर्नाटक में, आपको पता हो तो, वही हम बात करें तो तारापुर जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तारापुर जो है वो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और बात की जाए तो रावतबाट जो है ये पड़ता है अपना राजस्थान में है, और काकरापार अभी हमने देखा था जो कि गुजरात में है। तो देखते हैं यहाँ पर 4321 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओवरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, अमेरिका, जर्मनी, जापान या रूस के सहयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, रूस के सहयोग से, ओके, ओवरा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, नहीं पाए गए हैं, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय या पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर या लुधियाना। तो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा जालंधर। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमें सम्मिलित करना है वायु उद्योग, तेल शोधन, जस्ता या जलयान। तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर वायु उद्योग की हम बात करें तो ये उदयपुर में है, ठीक है, तेल शोधन उद्योग सेल की बात की जाए तो ये नासिक में है, जस्ता की बात करें तो ये मथुरा में है, और जलयान की बात की जाए तो गोवा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4312 यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो
जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ऊपर दिया हुआ है इसका, और हमें जो है वो सम्मिलित करना है, इस्पात, अखबारी, भारी जल और पोत निर्माण। तो देखिए अखबारी कागज़ तो आपको पता हो, मध्य प्रदेश पीएससी की कर रहे हो, तो नीपा नगर हो जाएगा, तो बी का तो थर्ड हो जाएगा। सबसे पहले हम आसान चीज़ें देखते हैं आपको, तो बी का थर्ड, यानी देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा गया, बाकी सब में जो है वो तीन तीन की। तो अब हमें यहाँ पर इस्पात, इस्पात की अगर हम बात करें तो इस्पात जो है ये पाया जाता है थाल में, ठीक है, थाल में इस्पात पाया जाता है। अखबारी हो गया अपना नीपा नगर में है। भारी जल की अगर हम बात करें तो भारी जगह जो है वो सलेम में, और पोत निर्माण जो है वो मजगवा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है, तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम का। तो फूट लूज दरअसल जो है ये तेल शोधन के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन किए जाने का प्रस्ताव दिया था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किसने दिया था, तो इसमें से जो दिया गया था वो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया। अगला है, बंदरगाह में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कोचिन, तूतीकोरन, कांडला या पारादीप। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो दरअसल आता है वो आता है कांडला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा गया है, कांडला, कोलकाता, कोचिन या विशाखापट्टनम। सबसे गहरा जो है वो बात की जाए तो विशाखापट्टनम है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस शिपयार्ड में नासिक जहाज माल ढोने वाली नौवें छोटे जहाज ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं, ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं। तो ये किस में होते हैं, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, गार्डन रीच शिपयार्ड, मजगांव शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड या हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो नासिक जहाज माल ढोने वाली नाव है जिसमें छोटे जहाज होते हैं, ड्रेजर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गार्डन शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है, अलंग, कांडला, पोरबंदर या ओखा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंगल, अलंग। नेक्स्ट है, यहाँ पर राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम, पंबन या रामेश्वरम। तो जो आपको पता हो, इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच मध्य है एडम ब्रिज है, ठीक है। तो ये दरअसल जो है वो धनुषकोडी से होता है। धनुषकोडी दरअसल जो है वो साउथ की सबसे लास्ट जो है वो रोड है, सड़क है, इसके आगे नहीं है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जाति पाई जाती है, शोम्पेन जाति, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप में स्थित घाटी या लक्षद्वीप में। तो शोम्पेन घाटी आपको पता हो तो ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जनजाति दीपावली का शोक बनाती हैं, तो ये क्वेश्चन तो मैंने पोस्ट भी किया था आपको पता हो तो। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, खासी, मुंडा, लोपचा या थारू। तो इसका आंसर हो जाएगा थारू। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या करना है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। ये हमें जनजाति दी हुई है, टोडा, सेल्टर, बिरहोर, भोटिया, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता हो, जो चीज़ आपको पता हो, तो जैसे कि बात की जाए टोडा, टोडा कहाँ पर पाई जाती है, तो टोडा जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तो बी का तो पहला हो जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ए ऑप्शन, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो भोटिया जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। सेंटलैंड जो है ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। बिरहोर जो है ये कहाँ पर पाई जाएगी, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 82 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, परिवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी या अध्यारोपित नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिनी जाती है, चौड़ी नदी है, सबसे सबसे लंबी नदी तो आपको पता हो तो गंगा है, लेकिन चौड़ी में बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है, और ये जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। मरियाना ट्रेंच जो है ये कहाँ पर है, विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो आसान सा है, प्रशांत महासागर में ये पड़ती है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा सागर जो भयवत यानी भू आवेशित है, मतलब चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है। तो आप सभी को पता हो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, शायद किर्गिस्तान से, किर्गिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर, एक बार आप कंफर्म कर लेना। पर यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरल सागर। ओके अरल सागर। नेक्स्ट है, यहाँ पर वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है, खारे जल और सतत जल का, डेल्टा, खाड़ी हो गया, गल्फ हो गया, या ज्वारन दमुख हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारन मुख। नेक्स्ट है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, सवाना अफ्रीका में है, मैंने इसी में आपको बताया था, सवाना घास के मैदान है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, और डांस दक्षिण अफ्रीका। तो डांस जो है ये गलत हो जाएगा, डांस दरअसल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, प्रेरी जो है ये बात की जाए तो उत्तर अमेरिका में, बिल्कुल सही है, और पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपी जो है वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निमाग्रा जलप्रपात जो है ये किस पर है, ऑप्शन है ईरी झील का पानी अंटेरियो झील में जाने से, सुपीरियर झील का पानी ह्यूरॉन झील में जाने से, मिशिगन झील का पानी ईरी झील में जाने से, या ह्यूरॉन झील का पानी मिशिगन झील में जाने से। तो निमाग्रा जलप्रपात बनता है, दरअसल ये बनता है जो सुपीरियर झील का पानी जो है ह्यूरॉन झील में जाने से। चेसापेक की खाड़ी विश्व प्रसिद्ध है मछली उत्पादन में, मोती उत्पादन में, समुद्री विविधता, या सार्क मछली हेतु। तो चेसापेक जो है ये खाड़ी है, ये दरअसल जो है वो मोती उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लौंग और इलायची की हेतु प्रसिद्ध जो है वो हमें बताना है कि कौन सा द्वीप है, जंजारी द्वीप, जंजीवार द्वीप, मेडागास्कर, पेम्पा द्वीप, आ और सात दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दरअसल जो है वो जंजीवार द्वीप और पेम्पा द्वीप, ये दोनों ही जो है वो लौंग और इलायची के लिए जानी जाती है। इलायची की अपनी यहाँ पहाड़ियाँ जो है वो केरल में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो हॉर्मुज जल संधि जो है ये किस किस को जोड़ती है, तो ऑप्शन है ओमन की खाड़ी और फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ओमन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो हॉर्मुज जो जल संधि है ये दरअसल जो है वो ओमन और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अल्फांस पर्वतमाला है फ्रांस और जर्मनी और स्पेन, फ्रांस और इटली और जर्मनी और पोलैंड। तो अल्फांस जो है ये पर्वतमाला है फ्रांस और इटली के बीच में। नेक्स्ट है, यहाँ पर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, गार्ज, डेल्टा, लोएस या तटबंध। तो नदी द्वारा जो है निर्मित नहीं होती है, वो लोएस होती है। अगला है, डॉक्टर पवनों के नाम से प्रसिद्ध है, चिनुक, फोन, सिराको या हरमंटन। तो डॉक्टर पवनों के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है हरमंटन। ओके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असल कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असली मतलब सही कथन का, असत्य कथन होगा तो यहाँ पर असत्य कथन होना चाहिए। देखिए, रक्तवर्ण महिला रोम, तो बिल्कुल सही है, और एमराल्ड डीप आयरन लैंड ऑफ थंडर भूटान को कहते हैं, एशिया का पेरिस सिंगापुर को नहीं कहते हैं, एशिया का पेरिस दरअसल जो है वो कराची को कहते हैं। ठीक है, एक ऑथर हैं तो उनके द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो याद रखना है, कई कई जगह देखिए बहुत सारे जो है वो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। तो एशिया का पेरिस कराची को नहीं, दरअसल जो है सिंगापुर, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फिलीपींस को कहते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको एशिया का पेरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइनू जनजाति पाई जाती है जापान में, साइबेरिया, नेटाल प्रांत या कनाडा में। तो आइनू जनजाति जो है ये पाई जाती है जापान में। नेक्स्ट है, यहाँ पर म्यूनिक जर्मनी प्रसिद्ध है, लेंस निर्माण के लिए, जहाज निर्माण के लिए, सिगार निर्माण के लिए, कैंची और छुरी निर्माण के लिए। तो
म्यूनिक जर्मन जो है दरअसल ये लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो आसान सा है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है नाभिकीय फ्यूजन, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। शांति का सागर कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह, चंद्रमा, बृहस्पति या फोबो पर? तो शांति का सागर दरअसल जो है ये चंद्रमा पर है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है साइरस, प्रोजिमा या दरअसल प्रोक्सिमा है, वेस्टा या उपरोक्त सभी। तो सबसे चमकीला जो है वो साइरस है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।